नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सेन और भारती परिवार में आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि। इससे पहले के वीडियोस में हमने स्वर संधि को पढ़ा, स्वर संधि के पांचों भेद हमने पढ़े। कौन कौन से थे स्वर संधि के पांचों भेद? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। ये पांचों भेद हम पढ़ चुके हैं। दूसरा जो भेद है संधि का प्रमुख, वो स्वर संधि के बाद आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को पढ़ने से पहले आपको व्यंजनों के बारे में जानना ज्यादा आवश्यक है कि व्यंजन क्या होते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले, स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण होता है, जिन वर्णों का, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन जो देखा जाए मुख्यतः कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो गई? 25। पांच 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 और पांच, कितने हो गए? 25। ठीक है, इसके अलावा आपको ये जानना आवश्यक है कि ये प्रत्येक वर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कहलाता है। ठीक है, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण कहलाता है। क वर्ग का अगर पहला वर्ण पूछा जाए, क वर्ग का पहला व्यंजन पूछा जाए तो क्या होगा? क। दूसरा पूछा जाए तो होगा ख। तीसरा पूछा जाए तो होगा ग। चौथा पूछा जाए तो होगा घ। और पांचवा पूछा जाए तो होगा ग। ठीक है, तो हम व्यंजन संधि में यही कार्य हमें करना है कि हमें पहले को तीसरे में बदलना, तीसरे को पांचवे में बदलना, या पहले को पांचवे वर्ण में बदलना। तो यही चीज हमारे लिए इसलिए जानना आवश्यक है क्योंकि जो हम बदलाव करते हैं इसके अंदर, जो संधि कार्य करते हैं, वो इनके आधार पर होता है। प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण। इसके अलावा य, र, ल, व, श, श, स और ह, इन आठों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो कितने हो गए? 25 और 8, 25 और 4, 29 और 4, 33 व्यंजन हमारे हो गए। अब कैसे इनकी संधि करनी है, ये कुछ नियम है संधि को करने के। तो उन नियमों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे और उसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, पर सबसे पहले हम इस व्यंजन, जो व्यंजन लिखा हुआ है हमारे पास में, इसका संधि विच्छेद करते हैं। इसका होगा वी धन अंजन, वी धन अंजन। यहाँ पर स्वर संधि है। इस शब्द के अंदर कौन सी संधि है? स्वर संधि है। वी का ई इसमें परिवर्तित हुआ है य में, पीछे वाला अ इसमें जुड़कर पूरा किया और क्या बन गया? व्यंजन। ठीक है, अब हम व्यंजन संधि के नियमों को पढ़ते हैं एक एक करके और व्यंजन संधि को समझने का प्रयास करते हैं। तो व्यंजन संधि का पहला नियम, व्यंजन संधि का पहला नियम अगर हम सरल भाषा में देखें तो क्या होता है? किसी शब्द में 33, 34, 55 आ जाए। 33, 34, 35 का मतलब मैंने आपको समझाया था अभी, किसी भी वर्ग का तीसरा और तीसरा वर्ण, तीसरा और चौथा वर्ण या पांचवा और पांचवा वर्ण आ जाए, ठीक है, तो व्यंजन संधि होगी। एक चीज और ध्यान रखना, जैसे स्वर संधि में स्वरों का मेल हो रहा था, ऐसे ही यहाँ पर आपका जो व्यंजन है, ये जो पहला पद और दूसरा पद होता है, इस पहले पद की शुरुआत में या दूसरे पहले पद के अंत में या दूसरे पद की शुरुआत में व्यंजन होना आवश्यक है। दोनों में से किसी एक में भी व्यंजन हो सकता है और दोनों और व्यंजन भी हो सकते हैं, ठीक है। और इन संधि शब्दों का, कौन से संधि शब्दों का जिनमें 33, 34 और 55 आ जाए, ठीक है, तो वहां व्यंजन संधि होगी। और ऐसे व्यंजन संधि, ऐसे संधि शब्दों के टुकड़े करने पर या विच्छेद करने पर 33 का 13, 34 का 14 और 55 का 15 कर देते हैं। अब कैसे कर देते हैं देखिए, यहाँ पर शब्द दिया हुआ है वाग्दंड। क्या दिया हुआ है? वाग्दंड। इस वाग्दंड में ये जो ग है ये तीसरा है और ये जो द है ये भी तीसरा वर्ण है। क, ख, ग तीसरा वर्ण हो गया, त, थ, द और ये भी तीसरा वर्ण हो गया। तो कितने नंबर हो गए? ये 33 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए? 33 नंबर हो गए। अब इस 33 को हमें क्या करना है? 13 में कन्वर्ट करना है, 13 में परिवर्तित करना है।
पीछे वाले तीन का हमें कुछ नहीं करना है, जो आगे वाला तीन है उसको उसी वर्ग के पहले वर्ण में हमें बदलना है। तो ग का पहला वर्ग, पहला वर्ण क्या होता है? क। ग वर्ग का यानी क वर्ग में जो ग आता है उसको उसी वर्ग के पहले वर्ण में हमें परिवर्तित करना है। तो ग का पहला क्या हो गया? क। ठीक है, फिर क्या हो गया? ये एक और तीन तेरह, क्या हो गया? एक तीन तेरह हो गया। इसी प्रकार हमें क्या करना है? चौदह को, यानी जो चौतीस है चौतीस को हमें चौदह करना है। ठीक है, दिग्भ्रम, यहाँ पर ग कौन सा है? तीसरा। और भ्र, भ कौन सा है? प, फ, ब, भ, ये चौथे नंबर का है। ठीक है, तो ये चौतीस को हमें क्या करना है? चौदह में परिवर्तित करना है। पीछे वाले चार का हमें कुछ नहीं करना है, जो आगे वाला तीन है उसे उसी वर्ग के पहले वर्ण में कन्वर्ट करना है, पहले वर्ण में परिवर्तित करना है। तो ग कौन से वर्ग का है? क वर्ग का। क वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है? क। तो ये क्या हो गया? दिक् धन भ्रम। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क और द दोनों व्यंजन है, इसलिए व्यंजन संधि ही है। इसमें भी क है, इसमें भी भ है, तो ये भी क्या है? व्यंजन संधि है। अब हम आते हैं आगे वाले पे कि पचपन को पंद्रह कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ उन्नति शब्द जो दिया हुआ है, उन्नति शब्द में दो न दिए हुए हैं, तो न भी पांचवें नंबर का है और ये न भी पांचवें नंबर का है। यदि ऐसा होता है तो आपको पहले वाले पांच को आपको एक करना है। ठीक है, पहले वाले पांच को एक करेंगे तो न कौन से वर्ग का है? त वर्ग का है, तो न को हम त में परिवर्तित कर देंगे। क्या हो गया? उत धननति उन्नति। अगर ऐसा आता है या फिर गगड़ दब, यानी क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग जो है इनके तीसरा वर्ण को गजड़ दब, शॉर्ट में आप बोल सकते हो गजड़ दब। क्या बोल सकते हो? गजड़ दब। इस गजड़ दब को आपको किसमें परिवर्तित कर देना है? कचट तप में परिवर्तित कर देना है। ठीक है, किसमें परिवर्तित करना है? गजड़ दब को हमें कचट तप में परिवर्तित करना है। यदि ग आ जाता है तो क कर देंगे, यदि ज आ जाता है तो च कर देंगे, यदि ड आ जाता है तो उसे ट कर देंगे, द आता है तो उसे त कर देंगे, और अगर ब आता है तो उसे प कर देंगे। तीसरे वर्ण को पहले वर्ण में परिवर्तित कर देंगे। कुछ और उदाहरण देखते हैं इसके, करते हैं इसको हम। देखिए, हमारा नियम नंबर एक क्या कहता है? यदि कचट तप क च ट त प प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है, यदि इसके साथ में कोई स्वर आ जाए या तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, तीसरा चौथा वर्ण क वर्ग का कौन होंगे? ग और घ, च वर्ग के होंगे ज और झ, ट वर्ग के होंगे ड और ढ, त वर्ग के होंगे द और ध, और प वर्ग के होंगे ब और भ। ठीक है, तो इनके बाद में कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, या तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या फिर य र ल व आ जाए, तो ये पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। पहले वर्ण क का क्या होगा? ग, च वर्ग का ज, ट का ड, त का द और प का ब हो जाता है। कैसे हो जाता है? देखिए, यहाँ एग्जांपल उदाहरण दिया हुआ है हमारे पास भगवत भक्ति। तो यहाँ पर देखिए संधि कहाँ हो रही है, ये कौन सा है? द और भ हमें यहाँ पर दिख रहा है। द कौन सा है? तीसरा वर्ण। भ कौन सा है? चौथा वर्ण। चौतीस का हमें क्या करना है? चौदह करना है। चौतीस का हमें क्या करना है? चौदह करना है। तो इस चौदह को करने के लिए क्या करेंगे हम? जो तीसरा है इसको पहले वर्ग के उसी वर्ग के पहले वर्ण में परिवर्तित करेंगे। तो ये क्या हो गया? भ, ग, व और द का कौन से वर्ग का है? त वर्ग का। उसका पहला वर्ण क्या है? त। और क्योंकि ये आधा है, इसमें हरंत लग रहा है, इसलिए यहाँ पे भी हम हरंत का प्रयोग करेंगे। और दूसरा क्या है? भक्ति। इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे? क्योंकि चार को हमें किसी भी में परिवर्तित नहीं करना है। क्या हुआ? भगवत भक्ति। आगे देखिए उद्घाटन, द और घ, द और घ, द कौन सा है? तीसरा। घ कौन सा है? चौथा। अब आपको क्या करना है? तीसरे वाले को उसी वर्ग के पहले वर्ण में परिवर्तित करना है, यानी चौतीस को हमें वापस चौदह बनाना है। क्या करेंगे? त उद्घाटन। क्या हो गया? उद्घाटन। ठीक है, जगदानंद, ये देखिए ग और द, ग तीसरा है और द भी तीसरा है। क्या आ गया हमारे पास? तैतीस। तैतीस का हमें क्या करना है? तेरह में परिवर्तित करना है। इस तरीके से हमें करना है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम? जग द कौन से वर्ग का है? त वर्ग का है। त वर्ग का पहला वर्ण कौन सा होता है? त। जगत प्लस
आनंद। क्या हो गया? जगत प्लस आनंद, ठीक है। फिर सदगति। वैसे यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर 33 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर त के बाद में स्वर आ रहा है। देखिए, त के बाद में स्वर आ रहा है, इसीलिए त किस में परिवर्तित हो जाएगा? द में परिवर्तित हो जाएगा। संधि कार्य यहां हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सदगति। अब सदगति में आपको यहां पर द और द मिल रहा है, यानी तीन और तीन, यहां है 33, ठीक है। यहां पर 33 है, सदगति में क्या करेंगे आप? द को त में परिवर्तित करेंगे और गति ऐसे कैसे लिख देंगे? क्या हो गया सदगति? वाग्दत्ता, वही हमें यहाँ पर तीसरा और तीसरा वर्ण मिल रहा है, 33 नंबर मिल गया हमें, 33 को हम तेरा कर देंगे। वाक धन दत्ता, क्या हो गया? वाक धन दत्ता। फिर वागीश। अब यहाँ पर भी ग में क्या है? स्वर, बड़ी ई आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यही भी क्या हो जाएगा? वाक धन ईश, क्या हो जाएगा? वाक धन ईश, ठीक है। आगे है दिगंत। तो यहां पर क्या है? स्वर आ रहा है, ग पे क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? दिक धन अंत, क्या हो गया? दिगंत। ऋग्वेद, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होता है? ऋक धन वेद, ऋक धन वेद। सदुपयोग का क्या होगा? सत धन उपयोग, क्या हुआ? सत धन उपयोग। फिर षडंग का षट, क्यों आया षट? क्योंकि ड ड कौन से वर्ग का है? ट वर्ग का, और ट वर्ग का पहला वर्ण कौन सा होता है? ट होता है, ठीक है। तो षट प्लस अंग, क्या हो गया? षडंग। सदाचार, सदाचार वही सत प्लस आचार, क्या हो गया? सदाचार, ठीक है। अगर आपके पास संधि विच्छेद आता है और संधि विच्छेद को आपको संधि बनानी है, तो आप यहाँ पर वही चीज देखेंगे। यहाँ पे देखिए पहला है और यहाँ पे देखिए चौथा है। 14 को 34 में परिवर्तित कर दीजिए। और अगर आपके पास संधि शब्द आता है, आपको विच्छेद करने के लिए कहता है, तो उन वर्णों को देखिए और उन्हें अगर 34 आता है तो 14 में परिवर्तित कर दीजिए, 33 आता है तो 13 में परिवर्तित कर दीजिए, और अगर 55 आता है तो 15 में परिवर्तित कर दीजिए। ये देखिए पहला और चौथा, पहला और स्वर, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, पहला और स्वर, यहाँ पे पहला और यरलव में से कोई एक। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे व्यंजन के बारे में स्वर का उपयोग हो रहा है, तो स्वर से वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये था हमारा नियम नंबर एक व्यंजन संधि का। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम देखते हैं हम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि अगर किसी शब्द में च का स्क्वायर, ज का स्क्वायर, ट का स्क्वायर, ड का स्क्वायर और ल का स्क्वायर हो, तो वहां व्यंजन संधि होती है। शब्द को देख के जो मैंने आपको पहचान बताई थी, एक तरीका बताया था कि हमें स्वर संधि में बताया आपको किस प्रकार आप पहचानेंगे कौन सी संधि है, ऐसे ही व्यंजन संधि में प्रत्येक नियम को पहचानने, प्रत्येक नियम से शब्दों को पहचानने की एक ट्रिक है। जैसा पहले वाले नियम में था 13 34, ठीक है, 13 33 34 को 14 करना, 55 को 15 करना, वैसे ही यहाँ पर क्या है, जहां पर भी आपको च ज ट ड का स्क्वायर मिल जाए वहां व्यंजन संधि होगी। और जब हम उसका विच्छेद करेंगे, तो उसका विच्छेद करने पर जो पहला वाला वर्ण है, उस पहले वाले वर्ण को, जो डबल आ रहे ना हमारे, उस डबल वाले में पहले वाले वर्ण को हम त कर देंगे, तो हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। देखिए कैसे, शरद चंद्र यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ क्या आ रहा है, च का स्क्वायर, च का स्क्वायर आ रहा है, तो इस च के स्क्वायर में जो पहला वाला वर्ण च है, इस च को हम त में परिवर्तित कर देंगे, शरत, क्योंकि ये आधा है इसलिए इसको भी हम आधा ही रखेंगे, और पीछे का शब्द ऐसे कैसे लिख दीजिए, क्या हो गया? शरत धन चंद्र। और अगर हम संधि बनाएंगे इसकी, तो क्या हो जाएगा? शरत चंद्र, क्या हो जाएगा? शरत चंद्र। फिर उच्चारण में देखिए, च का स्क्वायर है, अब पहले वाले के च को हम त में परिवर्तित कर देंगे, उत धन, पीछे वाले को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, उच्चाटन, क्या हो गया? उच्चाटन। फिर देखिए उच्चारण, उच्चारण में भी डबल च है, च का स्क्वायर है, तो इसमें भी हम यही करेंगे, उत धन चारण, उच्चारण। फिर सच्चरित्र, यहाँ पे भी च का स्क्वायर है, तो वही कार्य हम करेंगे, यहाँ पर पहले वाले च को त में परिवर्तित कर देंगे और पीछे का शब्द ऐसे कैसे लिख देंगे,
फिर सच्चिदानंद। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। इसमें दो जगह संधि हो रही है बच्चों, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। सत धन चित धन आनंद होगा, यहाँ पर क्या होगा? सत धन चित धन आनंद, इसका संधि विच्छेद ये होगा। ठीक है, दो जगह पर संधि हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये था हमारा सच्चिदानंद। फिर देखिए उज्जवल, जगा स्वयं। अब उज्जवल ये बहुत बार वाक्य जो शब्द शुद्धि आती है, शब्द शुद्धि के अंदर इन शब्दों को पूछा जाता है। जैसे ये उज्जवल है और ये है यावत जीवन। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, या तो इसको शुद्ध अशुद्ध रूप में दे दिया जाता है या विच्छेद या संधि के रूप में दे दिया जाता है। तो उज्जवल, उज्जवल का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर आपको डबल जय दिख रहा है, जय का स्क्वायर दिख रहा है, तो पहले वाले जय को हम त में बदल देंगे, क्या हो गया? उत। और पीछे का जो ज्वल है इसको हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे, क्या हो गया? उत धन ज्वल उज्ज्वल, क्या हो गया? उत धन ज्वल उज्ज्वल। और इसमें उज्ज्वल में दोनों ज आधे ही आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों ज आधे ही आते हैं। सज्जन, यहाँ पे भी ज का स्क्वायर है, तो पहले वाले ज को हम त में बदलेंगे और पीछे वाले को हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे। उज्जैनी, डबल ज, उत धन जैनी। ठीक है, फिर देखिए यावत जीवन, इसमें भी ज का स्क्वायर है, क्या हो गया? यावत धन जीवन, क्या हो गया? यावत धन जीवन। फिर देखिए विपत जाल, तो विपत धन जाल, क्या हो गया? विपत जाल। जगत जीवन, जगत धन जीवन। ठीक है, ये थे हमारे ज का स्क्वायर और ज का स्क्वायर। अब हम देखते हैं ट का स्क्वायर और ड का स्क्वायर। आगे देखिए ट का स्क्वायर, तो हमें क्या करना है? पहले वाले त का ट कर देना है और बाद का ऐसे कैसे लिख देना है। तट्टी का तत् धन टीका। फिर मृत्तिका में भी आपको यही करना है, पहले वाले त को त में परिवर्तित करना है, पीछे वाला शब्द ऐसे कैसे लिख देना है। बृहत्तिका में भी यही होगा, बृहत धन टीका, क्या हो गया? बृहत टीका। फिर उड्डयन में भी ये ड का स्क्वायर हो गया, ये ट का स्क्वायर था। ठीक है, अब ड के स्क्वायर में भी आपको वही कार्य करना है, पहले वाले ड का त करना है और पीछे वाले ड से शब्द ऐसे के ऐसे लिख देना है। ठीक है, फिर देखिए भवत डमरू, अब यहाँ पे डबल ड दिख रहा है आपको, ड का स्क्वायर आ गया, इसका भी हमें यही करना है। भवत धन डमरू। फिर देखिए ल का स्क्वायर उल्लेख, ल का स्क्वायर उल्लास, ल का स्क्वायर उल्लिखित। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है? पहले वाले ल का त कर देना है। ठीक है, कैसे? उत धन लेख, फिर उत धन लास, क्या हुआ? उल्लास। उल्लिखित में वही हमें कार्य करना है, उत धन लिखित। ठीक है, ये हो गया उल्लेखित। आगे देखिए यहाँ पर भी ल का स्क्वायर, यहाँ पे भी ल का स्क्वायर, यहाँ पे भी ल का स्क्वायर है, तो हमें पहले वाले ल को त करना है, बाकी का ऐसे के ऐसे लिखना है। उत धन लंघन, तत धन लीन, क्या हो गया? तल्लीन। पत या फिर पद, इसमें ये दोनों ही सही है, पद या पत। धन लव, क्या हो गया? पल्लव। ये था हमारा दूसरा नियम। अब हम देखते हैं तीसरा नियम क्या कहता है व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का तीसरा नियम कहता है कि विग्रह से पहले म है और म कैसा है? आधा है, और विग्रह के बाद में क से लेकर के ह तक कोई भी व्यंजन है तो म को अनुस्वार में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, यदि विच्छेद से पहले, यानी ये जो विच्छेद है, ये जो विग्रह है, विग्रह कहते हैं अलग अलग करने को। ठीक है, विग्रह से पहले यदि म है और म के बाद में क से लेकर के ह तक कोई भी व्यंजन है तो उस म को अनुस्वार में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए म और च, विग्रह से पहले म है, विग्रह के बाद में च है, क से लेकर ह तक जो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और उष्म जो है उनमें ये आ रहे हैं,
अंतस्थ में, सॉरी ऊष्म नहीं अंतस्थ में आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये म जो है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, संचार, क्या हो जाएगा, संचार, संधनचारण, संचालन। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो अनुस्वार दिया हुआ है, इस अनुस्वार को प्रत्येक पंचम वर्ण में भी परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे क वर्ग का है ङ, च वर्ग का है य, ट वर्ग का है ण, त वर्ग का है न और प वर्ग का है म, ठीक है। तो यदि इस अनुस्वार की जगह आप इनका प्रयोग करते हैं तो भी आपका आंसर सही होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है संपादन, समधन पादन क्या हो गया, संपादन, समधन गठन क्या हो गया, संगठन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, संगठन। फिर है संधनहार क्या हो गया, संहार, क्या हो गया, संहार, संधनगम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर समधन योग क्या हुआ, संयोग, समधन योग क्या हुआ, संयोग, क्या हुआ, संयोग, समधन विधान क्या हुआ, संविधान। म को हमने किसमें परिवर्तित किया, अनुस्वार में। समधन कल्प क्या हुआ, संकल्प। यदि परीक्षा में आपके पास विकल्प इन दोनों में से कोई एक आता है तो आपका सही है, यदि ये आता है तो भी सही है, और यदि ये आता है तो भी आपका सही है, ठीक है। संधनताप, संताप, समधन बंध, संबंध, ऐसे भी सही है ये और ऐसे भी सही है, ठीक है। ये था हमारा तीसरा नियम। अभी इसके आगे और भी कुछ शब्द हैं जिन्हें हम करते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे अलम धन कृति, वही म आ गया, म के बाद में क आ रहा है, तो इसको म को किस में बदल देंगे हम, अनुस्वार में, क्या हो गया, अलं कृति, अलं कृति। फिर है अलम धन कार, वही म को अनुस्वार में बदलेंगे, अलंकार। क्यों बदलेंगे, क्योंकि विग्रह के बाद, विग्रह से पहले म है और विग्रह के बाद क है, ठीक है। अहम धनकार, अहंकार, ठीक है। तीर्थम धनकर, तीर्थंकर, ठीक है। दिवम धनगत, दिवंगत, चिरम धन जीव, चिरंजीव, क्या हुआ, चिरंजीव। धनम धनंजय क्या होगा, धनंजय, दम धन द दंड क्या होगा, दम धन द दंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, क से लेकर के जो प वर्ग है, यदि इनसे पहले म आता है तो उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में वो परिवर्तित हो जाता है, क वर्ग का ङ, च वर्ग का य, ट वर्ग का ण, त वर्ग का न और प वर्ग का म, ठीक है, ठीक है। जैसे यहां क था, इस क से पहले म आ रहा है, तो ये जो म है वो इसी वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो भी ये सही है, ठीक है। अहंकार, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, अहंकार। तीर्थंकर को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, बीच में अंग लगा दीजिए, दिवंगत में भी वही है, ये अंग की जगह आप ये वाला जो पंचम वर्ण है इसको भी प्रयोग में कर सकते हैं, ठीक है। फिर है चम धनचर, तो क्या हो गया, अनुस्वार में बदला, ऐसे कैसे लिख दिया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं।
ठीक है, किम धनकर किंकर, किम धनकर किंकर ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अम धनजन अंजन, चिरम धनजीत चिरंजीत, चिरम धनजीत चिरंजीत, परम धंतु परंतु, बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं हम इस शब्द का, लेकिन किंतु परंतु, सम धंतुलन संतुलन, सम धंतुलन संतुलन, सम धन जीवनी संजीवनी, जो हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए लेकर आए थे संजीवनी, ठीक है। तो ये थे हमारे व्यंजन संधि के तीन नियम, आगे के नियमों को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।